आबरा का डाबरा गिल्ली गिल्ली छू, ये मैजिकल शो तो हमने बहुत देखा है बचपन में, अभी भी लेवल हाई होता जाता है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि क्या हमारी स्किन और हेयर के साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे बालों और हमारी स्किन में भी ऐसे आबरा का डाबरा छू हो जाए और हमारे बाल बहुत गॉर्जियस हो जाएं? और कितने दिन में? सिर्फ एक महीने में। हाँ, ये पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, जो चाहो वो आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, बस थोड़ी शिद्दत की ज़रूरत होती है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन हम वो मेहनत आजकल करना नहीं चाह रहे, हमें लगता है कि सारी चीज़ हमें फॉर्मुलेटेड मिल जाए, बनी बनाई मिल जाए और हम उन्हें लगा लें। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार जिक्र करती हूँ, अपने हर वीडियो में जिक्र करती हूँ, वैसे मैंने अपने हर वीडियो में बहुत सारे हेयर मास्क, बहुत सारे हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं। उन रेमेडीज़ से जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा है, और जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैंने अपना ऑयल सजेस्ट करा जिसका नाम त्वकेश है, जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आप में से ज़्यादातर लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं। क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, हमें उसको एक महीना दो महीना देना होता है। आपके बाल हमें डैमेज होने दिख रहे हैं, वो कब दिखने शुरू होते हैं? जब वो डैमेज होने की 90% स्टेज क्रॉस कर चुके होते हैं। हमारा हेयर लॉस मेल पैटर्न कब फील होता है हमें? जब कोई दूसरा आदमी आपको आके टोकता है कि यार आपके सिर से बाल उड़ रहे हैं, तुम्हारे सिर के बाल कम हो रहे हैं, तब हम उस चीज़ में ध्यान देते हैं। हमें खुद इतना टाइम ही नहीं होता कि हम खुद को एडमायर करें, मिरर के सामने कम से कम 2-3 सेकंड अपने आप से बात करें, अपने आप को जज करें कि हम कहाँ से लेट डाउन हो रहे हैं अपनी ब्यूटी में। अब आपको करना क्या है? जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको डेली हेयर केयर और वीकली हेयर केयर पे बहुत ध्यान देना होगा। डेली हेयर केयर में आपके आते हैं, आपको कॉम्बिंग डेली करनी है, आपको बालों को अपने ढंग से टाइट अप करके रखना है, आपको खुला नहीं छोड़ना। अगर आप बाहर पॉल्यूशन में जा रहे हैं तो कोशिश करिए अपने स्कैल्प को आप कवर करते रहें। आप बहुत ब्यूटीफुल स्कार्फ के साथ कर सकते हैं, आप ब्यूटीफुल कैप के साथ कर सकते हैं, आप जैसे फ्लॉन्ट चाहे वैसे कर सकते हैं। और वीकली में क्या आता है, वीकली में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी हेड मसाज कब होनी है, आपको मास्क कब अप्लाई करना है, हेयर वॉश करने के बाद आपको कौन सा सीरम यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं और मेरे से कमेंट्स पे क्वेरीज़ भी करते हैं। अब हमारी बात आती है कि एक महीने में हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट कैसे पा सकते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी पौधे को बड़ा करने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ऐसी आपकी रूट्स को ग्रोन अप करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों की मालिश करें। आप जिस ऑयल के साथ जाना चाहते हैं, ऑथेंटिक ऑयल के साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। जब भी आप अपना हेड वॉश करेंगे बहुत ही सधे हुए तरह से करेंगे, बिल्कुल आपका ऑयल निकल जाना चाहिए और आपके हेयर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। हफ्ते में एक बार आप हेयर मास्क के साथ जाएंगे, जो मेरी वीडियोस में ऑलरेडी शेयर्ड है, जो बिल्कुल होममेड रेमेडी है, आप उसके साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हर महीने आपको अपने बालों की ट्रिमिंग भी लेनी है। ट्रिमिंग लेने से क्या होगा दोस्तों कि जो आपके स्प्लिट एंड्स हैं वो स्प्लिट एंड्स आपके ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। हमारे हेयर जब ग्रोथ करते हैं ना तो नीचे स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो बहुत गंदे लगते हैं, और क्या होता है ग्रेजुअली जब ग्रो होते हैं तो वो उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि हम इन चीज़ों से हमारे बाल रफ़ हो रहे हैं, हमारे बालों में टेक्सचर अच्छा नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे तो आप भी अपने बालों को एक महीने में मैजिकल बना पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरे पेज पर, इट्स योर फेस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब इट एट द बेल आइकन।